हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु यौहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यर्दन के तट पर पहुंचे। यौहन ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं? परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यौहन ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कापोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम यीशु है, मैं नाजरेत से आया हूँ, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना है। यौहन कहते हैं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। ऐसा मत कहो, बपतिस्मा की प्रक्रिया पूरी होने दो। जैसे ही यीशु को बपतिस्मा मिला और यीशु जल से बाहर निकले, आसमान खुल गया, स्वर्ग से पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आया और यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। नबी इसायस अपने धर्म ग्रंथ में लिखते हैं, यह मेरा सेवक है, इसे संभालता हूँ, मैंने इससे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैंने इससे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। मैंने तुम्हें न्याय के लिए बुलाया है और हाथ पकड़कर संभालता हूँ। मैंने तुम्हें न्याय के लिए बुलाया है और हाथ पकड़कर संभाला है। तुमको अपनी प्रजा के लिए ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में लूकस नबी इसायस की लेख को उद्धृत करते हुए कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इन पंक्तियों द्वारा मालूम होता है कि बपतिस्मा के द्वारा यीशु अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, यीशु की आत्मशक्ति एवं आत्मज्ञान का बोध होता है। जिस मकसद से यीशु आए हैं उनका ज्ञान उसे प्राप्त होता है।